हमने यहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला मैं 12 को, उसके बाद RSCIT का कोर्स चालू किया, तब हमारे पास थे 5 बच्चे जो RSCIT करने के लिए आते थे, उसके बाद धीरे धीरे बन गए 150। वैसे अभी शुरू कर रहे कंपटीशन क्लासेस, फिलहाल है 40 लड़के, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज तो खेतों में काम है इसलिए कोई आता नहीं है, ज़्यादा सहयोग कर नहीं रहे, लेकिन आप लोगों का प्यार हमारे साथ है ये जानते हैं। पहले जब हम पहली में एडमिशन लिए थे तब ना तो कोई सीनियर के जी थी ना जूनियर के जी थी, अभी सबके लिए सीनियर के जी है जूनियर के जी है। हम पहली में एडमिशन लिए थे जो गणित था, मराठी थी, मैं महाराष्ट्र में पढ़ा हूँ, हमें मराठी थी, इंग्लिश थी, 3 सब्जेक्ट थे, और दूसरी से लेकर विज्ञान बढ़ गया था और भूमिति नाम का सब्जेक्ट बढ़ गया था। तब जानते नहीं थे कि किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम, पढ़ाई करनी है मार्क्स बनाने, खाली इतना जानते थे रिजल्ट आएगा पास होना है। जब हम 5वीं कक्षा में गए तब विज्ञान हमारा बढ़ा, उसमें हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ती गई, तब पता चला ये क्यों सीखना है, किस लिए सीखना है। उसके बाद जब हम 10वीं में गए तब हमें टीचर्स लोगों ने बताया कि अपना करियर पॉइंट है, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको जिंदगी में करना क्या है। उसके बाद 12वीं में साइंस चूज किया क्योंकि करना क्या है पता था। उसके बाद 12वीं के बाद टीचर्स लोगों ने बताया ये आपके लाइफ का पॉइंट है, आपके करियर का पॉइंट है, यहाँ पे आपको जो करना है भविष्य में वही करना है। 12वीं के बाद जो आपको करियर चॉइस करना है ये आपके लाइफ का डिसीजन है जो कि आपको इस पॉइंट पे लेना होता है। उसके बाद हमने चॉइस किया ग्रेजुएशन के लिए, मैंने चॉइस किया BCA। BCA के 3 साल, जब मैंने MCA पास आउट किया तब MCA था 2 साल का, और जब मैंने पास आउट किया, जस्ट पास आउट किया, उसके बाद हुआ MCA 3 साल का, 1 साल बढ़ गया। लेकिन पता था करना क्या है। फिलहाल मैं जब सेकेंड ईयर में था तब भी पता था BCA बढ़ने वाला है, जब पास आउट हुआ तब 2 साल का था, लेकिन करना क्या था वो पता था। आज मैं डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, कंप्यूटर के टोटल हार्डवेयर सबका नॉलेज है, और यहाँ पे हम हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, एंड्रॉयड प्लस एप्पल दोनों एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं इसके भी क्लासेस यहाँ पे होते हैं, खाली RSCIT नहीं, IT का पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग भी कोर्स अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स अवेलेबल है, वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स अवेलेबल है, और आप करना चाहे तो यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के भी क्लासेस चालू करने वाले हैं जो कि 10 साल पहले इंडिया में लॉन्च किया गया है। आपके जीवन के लक्ष्य के अनुसार जिसमें करियर करना चाहते हैं उसका डिसीजन लेते हैं 12वीं के बाद, अपना डिसीजन संभल कर लें और अपने अपने जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में लें। बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पे आए, हमें हमारे ऊपर प्यार दर्शाया इसके लिए सबका आभारी हूँ।